कि ये जो सुरक्षा व्यवस्था की कमी कमजोरियां इतनी ज्यादा हैं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी का वही हुआ। अब नरेंद्र मोदी जी कोई छोटी मोटी हिटलिस्ट में तो है ही नहीं जी। इंटरनेशनल लेवल पे जो भी टेररिस्ट ग्रुप हैं, ISI है, पाकिस्तान है, लक्षरे तोबा है, खालिस्तानी से अलग अलग संगठन, उनको खत्म करना चाहिए। पर मुख्यमंत्री चन्नी इसको मानने को मना कर रहे हैं, उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया है कि मैं ये सब झूठ है। चन्नी जी की समस्या ये है जी। उन्होंने ऐलान बड़े अच्छे किए पर उनको सुरक्षा की एक पैसे की जानकारी नहीं। इसमें टोटल मैं ये कहूँगा ये पॉलिटिकल टेररिज्म था जी। ये पॉलिटिकल मर्डर कराने की साजिश थी कि जहाँ पे चन्नी जी ने स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट आता है उनका कि हमें कुछ पता नहीं था, सड़क से जा रहे थे या उनका किसी तरीके का रूट बदल रहे हैं, रूट डाइवर्जन हो रहा है, इन सब का ब्रीफिंग उन्होंने प्रियंका वाड्रा को दिया, जहां पे देश के प्रधानमंत्री के साथ क्या होता है वहां पे 20 मिनट 15 मिनट तक बिल्कुल कोई सुरक्षा नहीं और अचानक से गाड़ियां रुक जाती है, काफिला रुक जाता है, इस बात की पूरी सिचुएशन की विस्तार से वर्णन और बताने वो प्रेसिडेंट को जाते हैं और वो प्रियंका वाड्रा को बता रहे हैं। प्रियंका वाड्रा कौन होती है? क्या पीएम का नुकसान करने की साजिश थी? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ किसी पे। क्या आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर देंगे? क्या आप पूरे देश के माहौल को खराब कर देंगे? क्या आप पूरे देश के अंदर दंगा फसाद कराने? ऐसा इतिहास बना के वो जाएगा कि सुरक्षा की जो चूक हुई है, ताकि इंदिरा गांधी शहीद हुई, राजीव गांधी शहीद हुआ, सरदार बीरम सिंह शहीद हुआ, मेरे पे 14 बार हमले हुए और नरेंद्र मोदी के साथ जो हुआ है, कभी आने वाले सदियों तक हिंदुस्तान के अंदर या बाहर ऐसा एक इतिहास बनेगा कि किसी पीएम की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना हो। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? प्रधानमंत्री के सुरक्षा चूक मामले में जिस निम्न स्तर की राजनीति और सियासत हुई है वो सबको शर्मसार करती है कि अगर देश का प्रधानमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो एक आम जनता, एक आम नागरिक किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। और ये फिर से कहते ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ और हर बार उसकी कीमत बढ़ जाती है, इतिहास खुद में दोहराई जाती है। आज मैं बिट्टा साहब के पास आई हूँ और फिर से इसलिए इनके पास आई हूँ और इतिहास के पन्ने को पलटने की बात मैं फिर से दोहरा रही हूँ, क्योंकि ठीक इसी तरीके से एक हमला बिट्टा साहब के साथ हुआ था और उस वक्त भी चिट्ठी मिली थी इनको और इनकी सुरक्षा को विड्रॉल किया गया था, रद्द कर दिया गया था और ठीक उसी वजह से ये घर से बाहर निकले ही थे और एक बहुत बड़ा विस्फोट को अंजाम दिया जाता है और कई जाने खत्म हो जाती है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। सर इस बार जो हुआ इससे पहले भी आपके साथ हुआ, लेकिन कहते हैं कि इतिहास दोहराता है और हर बार उसकी कीमत दुगनी चौगनी हो जाती है, फिर से वही चीज हुई, तो क्या कहते हैं आप इसके बारे में? जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री के सुरक्षा के साथ चूक हुई है और उसके बाद इतनी निम्न स्तर की बातें सामने आ रही है, यहाँ तक कि जो सियासत कुर्सी पे बैठे हैं वो भी झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, तो आज का ये वीडियो कई झूठों का पर्दाफाश करने वाला है। मैं सबूतों पे बात करूंगी, उन सवालों को रखूंगी जिससे कि आज के व्यूवर्स को जो हमें देख रहे हैं वो समझ जाएंगे कि वाकई में वास्तविकता क्या है। तो आप कैसे देखते हैं पहले इस पूरे मुद्दे को, आप मुझे बताएं। देखो पहले हमने श्रीमती इंदिरा गांधी खोई जी, उससे पहले हमने पंजाब के चीफ मिनिस्टर सरदार प्रताप सिंह कैरो को है जी, उनको भी इस तरीके से, उनके पास सुरक्षा नहीं थी, उनको गोलियों का निशाना दिल्ली के पास हरियाणा में बना दिया गया जी। उसके बाद हमने राजीव गांधी खोए, उनकी सुरक्षा विड्रा हुई, SPG विड्रा हुई और मेरे ख्याल कुछ समय के बाद राजीव गांधी की शहादत हो गई। उसके बाद सरदार बेअंत सिंह खोए, वो खोए कहाँ? जहाँ चीफ मिनिस्टर का ऑफिस था बिल्कुल नीचे खोए जी। उसके बाद और उनसे पहले भी मेरे ऊपर बम ब्लास्ट हुए, सुरक्षा की कोताही थी। मैं कोई सुरक्षा की जानकारी इतनी नहीं रखता हूं, पर मेरे ऊपर जो बम चले, जो मैंने जीवन में देखा है जी, जी। को भगवान की कृपा से मुझे अनुभव हो जाता है जी। कि यहाँ सुरक्षा का लैप्स है, ये नुकसान हो सकता है जी। राजीव गांधी जी के ऊपर अटैक हुआ, एक महीना पहले 10 जनपद के अंदर उनकी सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी को देख करके SPG खटी और रिटायर होने वाले दिल्ली पुलिस के जवान गेट पे थे, जिन्होंने हमें चेक नहीं किया। मैंने अंदर आके 10 जनपद के लॉन में, जहां राजीव गांधी जी से मुलाकात होनी थी, अपने दोस्त को बोल दिया राजीव गांधी जिंदा नहीं रहेंगे।
जो मैंने 91 में बोला जी, क्या मेरी उम्र होगी, मुझे इतनी जानकारी भी नहीं होगी जी। और एक महीने के बाद राजीव गांधी की शहादत हो जाती है, इंदिरा गांधी की शहादत होती है, आईबी चिट्ठी लिखती है, आईबी बताती है इंदिरा गांधी के स्टाफ को जी कि थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है जी, ब्लू स्टार ऑपरेशन हो चुका है, आपके ऊपर हमला हो सकता है जी, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसे दिल्ली पुलिस के गनमैन और कमांडो मेरे साथ ड्यूटी अभी करके रिटायर हुए, उन्होंने मुझे बताया। पर इंदिरा गांधी जी ने विश्वास किया उन दो जवानों के ऊपर, केर सिंह और बेअंत सिंह। आखिर में बीच में घुस के केर सिंह और बेअंत सिंह इंदिरा गांधी को शहीद कर दिया। पुलिस ने लिख दिया था कि इन सुरक्षा को हटा दिया जाए, इनमें ये लोग हटा दिए जाएं, पर इंदिरा गांधी ने विश्वास किया, वो शहादत का जाम पी गई जी। मेरे ऊपर हमला होता है, मैं रात को कहता हूं अपने ओएसडी को, मैं मिनिस्टर होता हूं, कि सुबह मेरे पे हमला होगा। उससे पहले गोलियां चल के मेरा शरीर छाननी था, मैं क्रसेज पे चलता था, तो मैंने देखा रात को मेरे क्रसेज भी छोड़े तो मैं चल पड़ा। तो सुबह मैं क्या, हम ऐसे जाएंगे? कहता आपको कैसे पता? मैं क्या, अखबारों में इश्तेहार आ चुके हैं कि मंत्री इस जगह पे उद्घाटन करने जाएगा। ये जो अखबारों में इश्तेहार आए हैं यही मेरे ऊपर हमले का कारण बनेगा। कहता कैंसिल? मैं क्या, अब कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि अमृतसर उस वक्त मिनी खालिस्तान बन चुका था। हर तरफ गोलियां, बारूद, बहनों के सुहाग उजड़ने, हर तरफ गोलियां चलती थी, बड़ा माहौल, खामोश माहौल था। मैं कहा हमने लोगों को जगाना है, हम जाएंगे। जैसे हम जाने लगे तो मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठने लगा। मेरे मिनिस्ट्री गाड़ी का ड्राइवर, उसने तिरंगे झंडे को खोल दिया, कहता साहब इधर बैठ जाओ। मैं तिरंगे झंडे के नशे में बैठ गया उधर, मुझे पता था मेरी मौत आ सकती है। मेरे साथ कोई डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे। जैसे मैं आगे जा रहा हूँ, आगे वाइट रंग की जीप है और लाल झंडा हिल रहा है और हूटर बज रहा है। मैं कहा ये हूटर मुझे मरवाएगा, मन में सोच रहा हूँ ये हूटर मुझे मरवाएगा। अब निकल गए तो निकल गए। जैसे पुल के नीचे से निकले, एक कार में 45 किलो RDX था, किसी ने रिमोट दबाया, बम ब्लास्ट किया और मेरी अगली जिप्सी जो LMG के जवान थे उनकी बंदूकें भी उड़ गई और वो भी उनके शरीर कट गए, उड़ गए। कम से कम 38 लोग शहीद हुए, बच्चे स्कूल में जा रहे थे और वहाँ पे उनकी बॉडी जो है ऊपर तारों में टंगी गई। सुबह का टाइम था। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सुरक्षा व्यवस्था की कमी, कमजोरियाँ इतनी ज़्यादा हैं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अब नरेंद्र मोदी जी का वही हुआ। अब नरेंद्र मोदी जी कोई छोटी मोटी हिट लिस्ट में तो है ही नहीं जी। इंटरनेशनल लेवल पे जो भी टेररिस्ट ग्रुप हैं, ISI है, पाकिस्तान है, लश्करे तोबा है, खालिस्तानी से अलग अलग संगठन उनको खत्म करना चाहते हैं। उनके बारे में सिद्धू बॉर्डर पे देखा, पहले इंदिरा गांधी मारी, अब नरेंद्र मोदी को मारेंगे सामने। आपने SPG की बात की, तो SPG ने तो पहले ही वहाँ के पंजाब को इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि इस तरीके का आतंकी हमले हो सकते हैं और जितने भी जिस तरह चुनाव होने वाले हैं जी। देखो इन्फॉर्मेशन मिले या ना मिले जी, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन ये एक प्रोटोकॉल होता है जी। ऐसी तो कभी जिंदगी के अंदर हुआ ही नहीं, जो हो चुका हो चुका जी। राजीव गांधी के साथ, इंदिरा गांधी के साथ या मेरे साथ, वो हो चुका। पर मुख्यमंत्री चन्नी इसको मानने को मना कर रहे हैं, उन्होंने तो साफ-साफ बोल दिया है कि मैं ये सब झूठ है, ड्रामा चन्नी है। जी की समस्या ये है जी। उन्होंने ऐलान बड़े अच्छे किए पर उनको सुरक्षा की एक पैसे की जानकारी नहीं जी। उनको ये नहीं पता चन्नी जी को, अगर नरेंद्र मोदी जी को कुछ हो जाता जी तो पूरे देश में शरारती लोग को ऐसी एक आग लगाते पाकिस्तान से कुछ भी करके, पूरे देश में फिर दंगे का माहौल बन जाता। क्या 84 के दंगे की तरह फिर बेगुनाह हमारे सिख भाइयों का कत्लेआम होता? क्या उनको गलों में टायर डाल के उनको मार दिया जाता? गलती किसकी? गलती सिर्फ पब्लिसिटी लेने की, सुरक्षा की कमी जी। ये हो ही नहीं सकता जी।
कि प्राइम मिनिस्टर का रूट एकदम चेंज हो जाए, दूसरा तैयार ना हो। जी, जी, प्राइम मिनिस्टर के लिए तो 10-10 रूट तैयार होते हैं, जब हमारे जैसे व्यक्ति के लिए 4-4 रूट तैयार होते हैं तो पीएम के लिए क्यों नहीं हो सकते। इसमें टोटल मैं ये कहूँगा ये एक पॉलिटिकल टेररिज्म था, ये एक पॉलिटिकल मर्डर कराने की साजिश थी, ये पूरे हालात को ऐसा बनाने की कोशिश थी कि पंजाब में हम चंद लोगों का वोट जीत लें, किसान भाइयों का वोट लेकर के जीत सरकार बना लें, पूरे देश में चाहे दंगे हो जाएं। अरे सुरक्षा के ऊपर चीफ मिनिस्टर ऐसे बयान देगा, पंजाब का को पुलिस अफसर दे रहे, को होम सेक्रेटरी बयान दे रहे, को चीफ सेक्रेटरी बोले, वो क्या ना बोले, पॉलिटिशियन को बोले। चलिए सर, इसी बात सवाल पे इसी पे जवाब आता है कि जहाँ पे चन्नी जी ने स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट आता है उनका कि हमें कुछ पता नहीं था, सड़क से जा रहे थे या उनका किसी तरीके का रूट बदल रहे हैं, रूट डाइवर्जन हो रहा है, इन सब का ब्रीफिंग उन्होंने प्रियंका वाड्रा को दिया, जहां पे देश के प्रधानमंत्री के साथ क्या होता है वहां पे 20 मिनट 15 मिनट तक बिल्कुल कोई सुरक्षा नहीं और अचानक से गाड़ियां रुक जाती है, काफिला रुक जाता है, इस बात की पूरी सिचुएशन की विस्तार से वर्णन और बताने वो प्रेसिडेंट को जाते हैं और वो प्रियंका वाड्रा को बता रहे हैं। प्रियंका वाड्रा कौन होती है सुरक्षा के बारे में? जी चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वो चन्नी नहीं है जी। और प्रियंका गांधी किसी पोस्ट पे नहीं है जी। चन्नी ने अगर प्रियंका गांधी को बताया है जी। ये बिल्कुल टोटल गलत किया है। कोई और मुद्दे पे चर्चा हो सकती थी, पॉलिटिकल चर्चा हो सकती थी, सरकार बनाने में किसी मंत्री को बनाने की, चेयरमैन बनाने की चर्चा हो सकती थी। पीएम की सुरक्षा के बारे में बताना जी। कि ऐसा ऐसा है क्या, उससे पहले भी चर्चा हुई जी। ये बहुत बड़े विचार हैं, क्या उससे पहले भी चर्चा हुई जी। बहुत बड़े सवाल है ये जी। क्या पीएम का को नुकसान करने की साजिश थी? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं किसी पे, पंजाब का डीजीपी, पंजाब का होम सेक्रेटरी, पंजाब का चीफ सेक्रेटरी जी, सब शक के घेरे में है जी। कारण पंजाब के डीजीपी को लगाया गया, चन्नी नहीं लगाना चाहते थे जी। वो पहले से कोशिश कर रहा था, क्यों लगाया गया पंजाब के डीजी को जी। क्योंकि हमारी कठपुतली बनके काम करेगा। क्यों लगाया गया पंजाब के होम सेक्रेटरी को? हमारी कठपुतली बनके काम करेगा। कौन लगाया चीफ सेक्रेटरी? हमारी कठपुतली बनके काम करेगा। अरे आपकी कठपुतली बनके काम करेगा, क्या आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर देंगे? क्या आप पूरे देश के माहौल को खराब कर देंगे? क्या आप पूरे देश के अंदर दंगा फसाद कराने की कोशिश करेंगे? कोई ये कहता है किसी ने आंसू बम के गोले तो नहीं दागे, पानी के कैनाल तो नहीं छोड़ दिया, बम तो नहीं फूट गया, बंदूक तो नहीं चल गई, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक इसकी हर एक एक चीज का जो जो शब्द निकले हैं, हर एक चीज का जो मुझे बिल्कुल जो मेरा अनुभव है जी, ये हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जी। देश की सुरक्षा के मामले में, देश की सीमाओं की सुरक्षा के मामले में कभी कंप्रोमाइज नहीं करता जी। ये नहीं कि आज नरेंद्र मोदी है और कल को कोई और प्राइम मिनिस्टर आ सकता है, फिर कोई और आ सकता है, ऐसा इतिहास बना के वो जाएगा जी। इस सुरक्षा की जो चूक हुई है, ताकि इंदिरा गांधी शहीद हुई, राजीव गांधी शहीद हुआ, सरदार बेअंत सिंह शहीद हुआ, मेरे पे 14 बार हमले हुए और नरेंद्र मोदी के साथ जो हुआ है, कभी आने वाले सदियों तक हिंदुस्तान के अंदर या बाहर ऐसा एक इतिहास बनेगा कि किसी पीएम की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना हो जी। ये इतिहास बनेगा जी, मैं बता दूं, ऐसी इंक्वायरी होगी। लेकिन सर कहीं ना कहीं बात फिर वही उठकर आती है, दो चीजें इसमें आएंगी सामने। सबसे पहले जो आज की सरकार बीजेपी सरकार है, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री, इतने बड़े बड़े मुद्दे हुए, इतने आंदोलन, मुझे नहीं लगता कितने लंबे समय तक जब देश में आंदोलन कभी भी कांग्रेस की सरकार में चली है, जब भी कोई आंदोलन चले उसका अंत हुआ है। लेकिन चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो किसी भी तरीके की नए नए चीजें गति जो देश विरोध ताकतें आती हैं और गतिविधियां होती हैं, चुप होकर एक गुंगी बहरी और अपाहिज में शब्द इस्तेमाल करूंगी आज की सरकार को लेकर, जो हमेशा से चुप्पी साध लेती है। और आज यही वजह है कि क्या ये कारण एकमात्र कारण नहीं है कि ये बात बढ़ते बढ़ते आज देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच चुकी? बिल्कुल आपने सही कहा जी। हमारे क्या प्रॉब्लम है, चुप्पी का कारण क्या है सर? मैं बताऊं, चुप्पी का कारण सबसे पहले तो वो था जब 26 जनवरी को तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, ठीक है ना जी। हम देखते रहे इंडिया गेट के अंदर तिरंगे झंडे का अपमान हो रहा है, खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, हमारे पुलिस के जवानों के ऊपर ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, रोदा जा रहा है, हम चुप रहे। मुझे तो लगता है चुप इसलिए रहे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री
हमारी सिख कौम का सम्मान और मान करते हैं जो उनकी कुर्बानियां और शहादतें। सर मैं रोकूंगी सर आपको। हाँ। बंगाल में सैकड़ों हिंदू मारे गए, उन हिंदुओं की जो इतने लोग आज जिनके परिवार उजड़ गई उस पर भी प्रधानमंत्री ने चुप्पी साधी। मैं बिल्कुल सहमत। क्या मजबूरी है? मैं आपसे बिल्कुल इन चीजों पे सहमत हूँ, बंगाल की बात पे सहमत हूँ। अब मुझे एक चीज बताइए जी, मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री तिरंगे झंडे का अपमान सहन करे, खालिस्तान के जिंदाबाद के नारे सहन करे, वो भी 26 जनवरी को करे। भाई जीवे प्रधानमंत्री जी गोली का ऑर्डर दे देते, देखो उनके इशारे के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। तो एक बात तो तय थी कि ये दूसरा जलियांवाला बाग बन जाता है। और 84 के दंगों की तरह एक इतिहास फिर दोहराया जाता कि सरकार ने सिखों के ऊपर जुल्म कर दिया। प्रधानमंत्री जी तो समझ रहे हैं, पर हमारा समाज समझने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री जी ने एक खून की नदियां बहाने से यह बर्दाश्त किया कि मैं इसको बर्दाश्त करूं। उसके बाद हाथ कट गए, तलवानियों की तरह मारा गया, खालिस्तान के नारे लगते रहे, गेट पे सब बॉर्डर उन्होंने घेर लिए। चाहिए था कि उसी वक्त जब शुरुआत आंदोलन की हुई थी टकैत को सबको ठीक करके उसी वक्त कंट्रोल कर लिया। ठीक है, जब तलवानियों के हाथ काटे गए एक्शन इतना बड़ा नहीं हुआ, केस रजिस्टर होना एक मामूली काम है, केस रजिस्टर हो गया बाद में बाहर आ जाएंगे जी। उसी वक्त कोई एक्शन होता जी। अब जब प्रधानमंत्री जी ने सारी मांगे भी मान ली भी चलो हालात खराब ना हो, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, 500 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के साथ लगता है, खालिस्तान की मांग आगे भी उठी थी शरारती लोगों ने, पाकिस्तान की तरफ से कोई शरारत ना हो, इन लोगों को वर्गला करके पहले की तरह कोई नया मूवमेंट ना शुरू हो जाए जी। चलो उन्होंने गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के ऊपर, उनके गुरुपूर्व के ऊपर, उनके इतिहास के ऊपर, गुरु नानक देव जी के दिन के ऊपर उन्होंने पूरे समाज से क्षमा मांग ली, जबकि पूरे देश का किसान इस मूवमेंट में नहीं था, सिर्फ पंजाब के थे जो टकैत था। भी मेरे से जो गलती हुई मुझे क्षमा कर दीजिए, जब आपको लगेगा कि मुझे ये कानून चाहिए मैं दोबारा लागू कर दूंगा। उसको पंजाब के कुछ खालिस्तानी लोगों ने, कुछ किसान के जो गर्म ख्याल के लोग थे, उन्होंने इसको अपनी जीत समझ लिया कि ये हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है जी। और बड़े जुलूस भी निकाले। अब उन्होंने कहा जीत हुई है तो अब हमें जो लोग शहीद हुए उनके हमें यहाँ स्मारक भी बनाएंगे। तो काम बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ गया, फिर सरकारों की ये कमी रही, उन्होंने कहा हम उनके केस भी वापस ले लेंगे। मेरा सवाल है सबसे, केस तो वापस ले लेंगे, क्या केस उनके भी वापस लेंगे जिन्होंने तिरंगे झंडे का अपमान किया था? और चन्नी जी ने तो सबसे आगे कर दिया कि केस सबके वापस लेके उनको 2-2 लाख की राशि भी दे दी। मतलब जिन्होंने तिरंगे झंडे का अपमान किया, जिन्होंने दिल्ली पुलिस के ऊपर लाठियां चलाई, जिन्होंने दिल्ली पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चलाए, कितनी हैरानगी की बात है, उनको 2-2 लाख रुपया दे दिया जी। तो उनके हौसले बढ़ते गए, इतने हौसले बढ़ गए कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब आए जी। तो उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर को तो हमने डरा दिया। क्या ये दर्शाता नहीं है कि आज के वक्त में सिर्फ हमारा प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का प्रधानमंत्री बन के रह गया? नहीं, मैं नहीं समझता जी। वो प्रधानमंत्री ने बड़ा सोच के काम किया जी, बड़ा सोच के गहराई से काम किया। अगर अब भी जिस तरीके से कमांडो आसपास थे, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर गिर चुके थे जी, गोली तो चलनी थी, उसको को रोक नहीं सकता था जी। और प्राइम मिनिस्टर जरूर मुझे लगता अंदर से इशारा कर दिया गोली नहीं चलनी चाहिए, मुझे निकाल के वापस ले जाओ। निकाल के वापस ले गए तो फिर चंद खालिस्तानी या चंद उन लोगों ने फिर यह समझ लिया कि हमने प्राइम मिनिस्टर को यहां से वापस मुड़वा दिया जी। तो ये चीजें दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही हैं और ये एक दिन कौन सा रूप लेगी ये समझना बड़ा मुश्किल है जी। और पाकिस्तान को ISI को हमने बता दिया कि हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सेफ नहीं है जी। तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी को सख्त एक्शन लेने की इस इंक्वायरी के ऊपर या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बड़ी सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। जो जो कमियां आई हैं, जो अधिकारी हैं, जहाँ जो वहाँ पे लोग थे उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। चलिए सर, मैं आपके थ्रू मैं अपने व्यूअर्स से एक बहुत बड़ा झूठ जो चन्नी जी ने बोला है उसका खुलासा करना चाहती हूँ। उन्होंने बोला कि सड़क
का कोई डायवर्जन हुआ या डायरेक्शन लिया गया इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जो कि सुनने में साफ साफ झूठ लगता है क्योंकि एक सिंपल प्रोटोकॉल है जिसे कोई भी सिविलियन समझता है। लेकिन जहां पे एक ASL रिपोर्ट पहले ही सौंपी गई और ASL की पूरी मीटिंग हुई थी, उस रिपोर्ट को मैं सामने लाती हूं जिसमें कि मौसम विभाग तक की बात की गई है कि अगर बाई चांस मौसम खराब होता है और खराब वेदर कंडीशन में जो प्रधानमंत्री होंगे वो सड़क का रूट लेंगे और फिर इस एयरपोर्ट से फिरोजपुर तक जाएंगे, और ये सारी चीजें पहले ही लिखी गई और सौंपी गई है। देखो मैं ना इस चीज से मैं टोकूंगा थोड़ा आपको जी, जो आप बोल रहे हैं ये को मुद्दा है ही नहीं जी, ये तो ऑटोमेटिक होता ही है जी, इस पे तो कुछ चर्चा का विषय है ही नहीं। पर इस बात को होते हुए जिसे आप समझते हैं कि है फिर भी झूठ बोला जा रहा है, मतलब प्राइम मिनिस्टर की इतनी बड़ी सुरक्षा के साथ खिलवाड़, जिस प्राइम मिनिस्टर को पूरे दुनिया के अंदर जो अमेरिका कहता है खतरा, इजराइल कहता है खतरा, हिंदुस्तान कहता है, यूनाइटेड नेशन कहता है उनको खतरा है जी, और एक पंजाब का चीफ मिनिस्टर बचपाना बयान दे करके जी, क्या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल मर्डर कराना चाहते थे? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरे से बात करा दो जी, क्या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को पॉलिटिकल टेररिज्म के दायरे में लाके उसका पॉलिटिकल मर्डर कराना चाहते थे? जिस तरीके से राजीव गांधी का मर्डर हुआ, जिस तरीके से राजीव गांधी की शहादत हुई, जिस तरीके से पॉलिटिकल टेररिज्म को लेके मेरे पे हमले हुए, क्या वो दोहराना चाहते थे? ये बहस का विषय नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, जब किसान आंदोलन की मांगों को मान लिया, उन्होंने कहा पूरे देश के अंदर मुझे क्षमा कीजिए किसान भाइयों, मुझे क्षमा करना, तो चन्नी जी भी बंद कमरे में जाके कह दीजिए मेरे से गलती होगी, मुझे क्षमा करना, तो उस बात खत्म हो जाती जी। हम एक तो चोरी, एक छीना चोरी, एक प्रधानमंत्री की शहादत होने वाली थी, 10 किलोमीटर पाकिस्तान था, ड्रोन थे, रडार थे, हर चीज थी, पाकिस्तान की हर रेंज के अंदर प्राइम मिनिस्टर थे, और वहां बोट पकड़ी गई फिरोजपुर की, वहां पे पाकिस्तान की बोट पकड़ी गई, वो लोग कहाँ थे, वो किस तैयारी में आए थे, और एक साल पहले से तो वीडियो जारी हो गई कि PM को इस तरीके से घेरना है, कब से प्लानिंग बनती रही, इंदिरा गांधी की प्लानिंग कैसे बनी, राजीव गांधी को सुरक्षा का सवाल आता है कि 50 किलोमीटर के घेरे में BSF के जवान थे। देखो जी बातें करने को जितनी मर्जी करो, अभी तो ऑर्डर हुए हैं जी, अब BSF के जवान को पाकिस्तान के थे क्या जी, जब बांग्लादेश के थे, BSF ने अगर चूक की तो फिर बात गृह मंत्री से सवाल पूछना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, BSF की चूक थी नहीं जी, 50 किलोमीटर सवाल यह है कि उसमें भी काफी दूरी थी जी, वो एरिया पूरा BSF के कवर में नहीं आता, वो एरिया सारा पंजाब पुलिस के कवर में आता है जी। अब नुक्स निकालने को आप जितने मर्जी निकाल लो, नुक्स तो ये भी निकल रहे हैं कि सामने जो लोग थे वो BJP के झंडे लेके खड़े थे और BJP के आदमी, बिल्कुल BJP के झंडे वहाँ देखे, BJP के झंडे दिख रहे थे, BJP के झंडे साफ दिख रहे थे, जो ये आंदोलनकारियों के झंडे साफ दिख रहे थे। अब मेरा मैं भी बचपन के अंदर जब राजीव गांधी या नरसिम्हा राव होते थे, हम भी झंडे लेके खड़े हो जाते थे, वो क्या जोश में चले जाते थे, पर ये कहना दिल्ली में तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, नरेंद्र मोदी ने करा दिया जी। वहां पे ऐसा हो गया फिरोजपुर के अंदर, तो नरेंद्र मोदी ने ड्रामा कर दिया। अरे आप चाहते क्या है ना जी, आपका हिंदुस्तान पाकिस्तान की बहस हो रही है, जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा का सवाल है। कल को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के ऊपर आफत आती है, क्या मैं नहीं बोलूंगा जी? क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं बोलेगा? क्या बोलेगा ना? तो अगर PM के ऊपर ऐसी मुसीबत आई तो उसकी पार्टी क्यों ना बोले जी? मैं क्यों ना बोलूं? एक भारतीय होने के नाते क्यों ना बोलूं? मेरा कर्तव्य बनता है। चलिए सर, मैं आज आपसे सवाल पूछूंगी, स्टेट के जो सुरक्षा है और सेंट्रल की जो सुरक्षा है, आप भी अलग अलग स्टेट में जाते हैं जहाँ पे BJP की सरकार है, तो वहाँ पे सुरक्षा में क्या कोई चूक हुई है? किस तरीके की सुरक्षा आपको वहाँ पे प्रोवाइड की? मैं अभी पहले तो बाहर था कहीं, वहाँ प्रियंका गांधी जी आए जी, मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी और जैमर नहीं दिया। मैं कहा भाई कहाँ है इंतजाम? कहने जी प्रियंका गांधी आ रहे, प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जी, BJP की गवर्नमेंट है। कितने हमले हुए आज तक प्रियंका गांधी पे? कोई नहीं हुआ, बल्कि ये जरूर किया था जी। उनके पिताजी को जिन्होंने शहीद किया था जी। उनको जेल में नलिनी को मिलने जरूर गई थी, हाथ जोड़ के ये जरूर कहा था जी। मुझे बताइए मेरे पिताजी को आपने क्यों मारा था? हमने तो कभी आतंकवादियों को कहा नहीं जी। जब पूछिए कोई, जब मेरा परिवार ने तो माफी भी कर दी, उनको माफ भी कर दिया। अपन क्या कह सकते हैं, बड़ा बड़े लोग हैं, बड़ा परिवार है, हम तो इस देश में एक रुलते फिरते लोग हैं, वो खानदानी परिवार बड़े जी। जो भी फैसला कर सकते हैं, किसी को ऐसा कर दो, बेटे की सुरक्षा हटा दो, बेटे को टेररिस्टों के आगे फेंक दो,
जो हमले हुए, जो कुर्बानी बस उन्हीं की है, बाकी तो किसी की हिंदुस्तान में है नहीं जी। जो कुर्बानी है उन्हीं की, बाकी उनके वर्कर हमारे जैसे छोटे मोटे हैं वो तो उनके लिए हम बेटे बकरियां हैं ना जी, ठीक जी, है ना जी। वो चली जाती नलिनी को मिलने के लिए जी, कर दो तो अभी चुनाव होने वाले हैं पंजाब में, और इस तरीके का सुरक्षा चूक और पूरा ये प्लानिंग दिख रहा है कॉन्स्पिरेसी के तहत, ये सारी चीजें हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा षड्यंत्र। मुझे दो चीजें लगती है जी। एक लगता है जी पीएम साहब ऐलान बहुत बड़े करने वाले थे जी, यूथ के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी पंजाब का तो फायदा होना था। मैं बताऊँ, पीजीआई, सड़कों का निर्माण दिल्ली से लेके वैष्णो मंदिर तक जी, है ना, मंदिर के पहले तक उसका निर्माण, बहुत सुंदर सड़कों का निर्माण था जी, जी, जी। और अमृतसर गुरदासपुर जो भी बॉर्डर एरिया था 500 किलोमीटर का, उसको एक, मुझे लगता है, इंडस्ट्री हब बनाने वाले थे, इकोनॉमिकली बहुत आगे चले जाते। पंजाब आज कई वर्षों से कर्जों से दबा हुआ है, ना सरदार बेअंत सिंह चीफ मिनिस्टर, ना कैप्टन अमरिंदर सिंह, ना हम, ना उसके बाद बादल साहब, हम उस कर्जे को माफ नहीं करा पाए। मुझे लगता है कि पीएम साहब शायद वो भी कर्जा माफ करने वाले थे, हो सकता है इनके दिमाग में ये हो कि ऐसे अगर ऐलान हो गए तो एकदम पासा पलट जाएगा जी। और कल आपने देखा बाल दिवस, वीर बाल दिवस दिसंबर को उनके साहबजादों के लिए दुनिया में मनाया जाएगा, जहाँ हर हिंदुस्तानी होगा, उनकी किताबें जारी होंगी कि गुरु गोबिंद सिंह जी का इतिहास क्या था, पूरी सिख कौम का इतिहास क्या था। और भी ऐसे कई फैसले थे जो मुझे पता चला कि उन्होंने करने थे, मुझे लगता है कि ये सब डर गए कि ऐसे फैसले होंगे कहीं लोग इनकी तरफ ना चल पड़े, चलो ऐसा ही करते हैं। पर ऐसा करते करते, सुरक्षा व्यवस्था को करते करते, वापस मोड़ते मोड़ते, अगर उनकी इस गेम के अंदर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री पाकिस्तान रेंज के अंदर या बीच में को ह्यूमन बम होता, जिस तरीके से लुधियाना में ब्लास्ट हुआ, ऐसे अगर होता, वो भी ह्यूमन बम था जैसे बोला, तो फिर क्या होता जी। फिर इनकी तो सरकार पंजाब में बन जाती पर पूरे देश के अंदर आग लग जाती जी। इनकी सरकार बन जाती, पूरे देश में आग लग जाती जी। और उसके बाद सफाई देने की बजाय ये जो रोज बहसबाजी में पड़ रहे हैं ना, ये देश के साथ गदारी है, ये देश के साथ धोखा है। यही कहते हैं ना, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गिरदारों से। क्या बात है। मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगी सर आपसे कि अभी जिस तरीके की सियासत चल रही है, तो क्या लगता है पंजाब इस सुरक्षा चूक की वजह से इतनी बड़ी सौगात से कहीं ना कहीं रह नहीं गई, क्या ये सौगात पंजाब को वापस कभी नसीब होगी? मुझे मुश्किल लगता है जी। मुश्किल, ये प्रधानमंत्री बहुत दयालु हैं जी, सख्त भी हैं, काम के लिए अपनी आंखों को यहाँ रखते हैं जी। और हमेशा उनके अंदर से निकलती है गलत काम है तो नहीं, ये नहीं होगा, उन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है जी। मुझे लगता है हम बहुत दूर चले गए, हमारा ज़िंदगी का सफ़र इतना गुजर गया। हम चाहते थे कि अब पंजाब की पटरी, जो हमारी राजनीतिक लोगों की गलतियों से एक आतंकवाद खून की नदियां की तरफ बही थी, वो एक लेवल पे आएगी। वो प्राइम मिनिस्टर करना चाहते थे, हमने उसको पूरा होने नहीं दिया। बस पंजाब के अंदर एक समस्या रहेगी, हिंदू हिंदू हिंदू। मुझे, मैं नहीं आज तक समझ पाया हिंदू ने किसी का क्या बिगाड़ा। हिंदू सिख 9 मास का रिश्ता है जी। हमारी बेटियां, उनकी बेटियां, उनके बेटे, हमारे, हम सब घरों में हैं, भाई बहन सब घरों में हैं। मैं नहीं समझ पाया इस चीज़ को, इस चीज़ को कौन मिटाएगा, कौन आगे लगेगा, कौन सिख समाज के लोग आगे आके करेंगे। पर मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा पूरे हिंदुस्तान के सिख समाज के लोगों को जी। अपनी आँखें खोलो, अपने दिमाग खोलो, और ये जो खालिस्तानी चंद लोग हैं, ये जो पंजाब के लोग स्वार्थी हैं, गंदी पॉलिटिक्स करते करते पहले भी हमको सबको तबाह कर दिया 84 के दंगे हुए। आप अच्छा कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, आपको पूरा देश समाज इज्जत देता है। आप आंखें खोलो और आप खुल करके मेरी तरह इनका विरोध करोगे तो हम बचेंगे, नहीं विरोध करेंगे। इनकी गलतियों से कोई भी नुकसान हुआ उसका खमियाजा मुझे, हम सबको भुगतना पड़ेगा, ये जरूर कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे आपने अभी बिट्टा साहब की बातें सुनी कि किस तरीके से देश एक बहुत बड़े खतरे से बच गया, क्योंकि प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरीके का चूक, एक सुरक्षा चूक, हमारे देश को बहुत बड़े एक मार काट और उससे भी भयंकर एक भयानक एक दृश्य, जिसका हम स्वप्न भी नहीं कर देख सकते, वो शायद एक जलावा बन सकता था। तो उन सब चीज़ों से हम बच गए, लेकिन आज इतने निम्न स्तर पर गिर चुकी है हमारी देश की राजनीति कि आज प्रधानमंत्री की
सुरक्षा भी उनके लिए मायने नहीं रखती और एक गलती उसके बाद चोरी और उसके बाद सीना चोरी जैसी चीजें आ रही है। आम इंसान जो कि आज विपक्षी की तरफ झुक के बोलता है कि प्रधानमंत्री नाटक कर रहा है, अपने देश के प्रधानमंत्री का यही सम्मान है? जहां पे विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री में से एक नंबर पे हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, उनके लिए ऐसे शब्द का उच्चारण, उनकी सुरक्षा में इतना ज्यादा चूक और ऐसे मजाक और इतना निम्न स्तर की बातें हो रही हैं, तो इन सब चीजों से आप क्या समझते हो? सर ने इतिहास से लेकर आज और आने वाले भविष्य की बातें भी बताई। बाकी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।